After the weekend, this is Planet Bollywood, and new week calls in for new updates from the world of Bollywood, social media, glamour and fashion. Main hu Sagarika Chhetri. And I'm Kunal Saluja, but before moving ahead, let's have a look at the headlines. तापसी ने फिर से नेपोटिज्म डिबेट को दी हवा. क्या रिपब्लिक डे पर कंगना रितिक की होगी बॉक्स ऑफिस टक्कर. सनी लियोनी के लाइफ पर बनी सीरीज फंसी बड़ी ट्रबल में. कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान स्टारर सीरीज को बताया फिक्शनल. उन्हें नहीं है कोई ऑब्जेक्शन. अनुराग कश्यप को मिल सकती है राहत की सांस बिकॉज उनके करंट वेब सीरीज को मिला कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी का साथ. लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी. सैफ अली खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर सीरीज को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पर एक्स पीएम राजीव गांधी के सन राहुल गांधी ने दिया है बड़ा स्टेटमेंट. राहुल का कहना है कि एक फिक्शनल वेब सीरीज की वजह से उनके डैड की इमेज खराब नहीं हो सकती. कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी का कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी का डेमोक्रेटिक अधिकार है और वो इसमें यकीन रखते हैं. वेल, इस स्टेटमेंट को देखने के बाद मैं एक ही चीज करना चाहती हूँ, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट. वेरी ग्रेशियस एंड मैच्योर ऑफ मिस्टर राहुल गांधी टू पुट आउट अ स्टेटमेंट लाइक दिस, वेयर ही इज कीपिंग हिज पर्सनल मैटर्स असाइड फॉर द लार्जर गोल ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, व्हिच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड दैट्स व्हाट वी नीड इन अ इन एन इंडस्ट्री व्हिच इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी. एंड यू नो व्हाट सागा, द बेस्ट पार्ट इज कि मिस्टर राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद उनकी पार्टी के कुछ लीडर्स ने, जिन्होंने यू नो इस वेब सीरीज के खिलाफ कंप्लेन फाइल की थी, अब शायद वो अपनी कंप्लेन जरूर वापस ले लेंगे. और लेना ही चाहिए. पार्टी हेड ने बोल दिया है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ख्याल से उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड पता है, बाकी स्टेट लीडर्स को राहुल गांधी से ये चीज सीखनी चाहिए, जो भी यू नो एक छोटी सी लाइन से या एक एपिसोड से बहुत टची हो जाते हैं, चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो, नाउ दिस इज अ बिग लर्निंग लेसन. ही हैज सेट एन एग्जांपल ओवर हियर कि ये इतना टची होने की जरूरत नहीं है. यू नो व्हाट, यहाँ पे भी सागा कुछ लोग हैं जिन्हें इस बात से भी तकलीफ है कि वो क्यों सपोर्ट करें. सो मिस्टर मधुर भंडारकर, उन्होंने अपनी तकलीफ जाया की ट्विटर पे, कहा कि जब मैंने पिक्चर रिलीज की थी इंदू सरकार, तो उस दौरान मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी आपकी पार्टी के लोगों की तरफ से, उस समय मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला. देन देयर इज वन मोर लीडर फ्रॉम सम अदर पार्टी, उनका ऐसा कहना है दैट यू नो अगर आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखो तो इनकी फैमिली में कभी किसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट नहीं किया. दे हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. यहाँ पर चाहते तो राहुल गांधी could have been on the other side where he would have tried to protect, you know, his father's identity. Yeah. जिस भी तरीके से वो दर्शाई गई हो, चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो, बट he's kept his personal matters aside and he said one episode and one series will not take away the credit what his father had done for the country. So this is you know a matter to salute, and we are very happy that now finally the audience can sit back, relax and enjoy their film or the web series. तापसी पन्नू ने बॉलीवुड की हार्श रियलिटी को रखा सबके सामने. उन्होंने कहा कि किसी की सिस्टर, गर्लफ्रेंड या डॉटर ना होने के कारण उन्होंने फेस की है रिजेक्शंस. एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने फिर से नेपोटिज्म के डिबेट को दे दी है हवा. तापसी का साफ कहना है कि नेपोटिज्म की वजह से उन्हें काफी रिजेक्शन झेलनी पड़ी थी, लेकिन इन्हीं रिजेक्शंस को उन्होंने पॉजिटिवली लिया और अब उनका कहना है, आई हैव गॉट रिप्लेस्ड, आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट जोन वेयर आई डोंट वांट टू बी अ रिप्लेसेबल नेम, दिस इज माय गोल. I want to hear from the industry that you are the only one who can do this. We will not go ahead with the project if you don't do this. And I want to hear from the audience that it is worth watching a film that I have done. I am slowly heading towards that. Well, Tapsee ne indirectly hi sahi Bollywood ki ek harsh reality sabke samne rakh di hai.
वेल बहुत हिम्मत चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसी इंडस्ट्री की हार्श रियलिटी को आप सबके सामने लेकर आओ। तापसी का ये कहना कि उन्हें बहुत काम मिला लेकिन जस्ट बिकॉज वो किसी की डॉटर नहीं थी, किसी की सिस्टर नहीं है या फिर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए उन्हें उस काम से रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि कोई स्टार किड वहां पे आके काम करना चाहता था। बिल्कुल, एंड दैट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज क्योंकि अभी भी आप बॉलीवुड में ही काम कर रहे हो और उसके खिलाफ आप कुछ कहने से कतराते नहीं हो, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट यार कुणाल, नेपोटिज्म ना हर एक फील्ड में है, कॉर्पोरेट सेटअप से है, मीडिया में है, एंटरटेनमेंट में है, पॉलिटिक्स, गो एनीवेयर एवरीवेयर नेपोटिज्म इज देयर। और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक टॉप डायरेक्टर्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, टॉप डायरेक्टर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स, टॉप एक्टर्स, अगर ये सोच नहीं बदलेंगे तो शायद नेपोटिज्म कभी नहीं बदलेगा। एंड दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल। एंड दिस इज व्हाई यू नो लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म हर जगह है, आपसे बॉलीवुड की ही बात क्यों कर रहे हैं, बॉलीवुड के बारे में नेपोटिज्म क्यों बोलते हैं, एटलीस्ट कहीं से तो शुरुआत हो बिकॉज बॉलीवुड इज अ ट्रेंड सेटर। हर जगह लोग बॉलीवुड स्टार्स को, बॉलीवुड के यू नो हर छोटी सी छोटी चीज को फॉलो करते हैं, तो दिस इज व्हाट वी वांट कि एटलीस्ट इंडिया में एक तो ऐसी इंडस्ट्री हो जहां नेपोटिज्म ना हो। बिल्कुल, और तापसी ने एक और चीज कही थी दैट शी वांट्स टू बी इररिप्लेसेबल, दैट्स हर गोल, कि वो ऐसी ऐसी एक्टिंग करे या ऐसी फिल्में दे ताकि जब उन्हें नेक्स्ट ऑफर हो तो उन्हें रिप्लेस करने का कोई सोच भी ना सके। यू नो द काइंड ऑफ रोल्स शी हैज बीन डूइंग, लाइक फॉर एग्जांपल नाम शबाना, पिंक, देन सूरमा, अब एक बायोपिक में भी आने वाली हैं, फिर मुल्क मूवी रिलीज होने वाली है, सो वेरी सून शी विल बी इररिप्लेसेबल। दैट्स राइट। रिलीज से पहले सनी लियोनी की अपकमिंग बायोपिक वेब सीरीज फंसी बड़ी ट्रबल में। लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी। सनी लियोनी के वेब सीरीज को लेकर खड़ी हो गई है बड़ी कंट्रोवर्सी। सिख कम्युनिटी को कोर वर्ड यूज किए जाने पर आपत्ति है। उनका कहना है शी चेंज्ड हर रिलीजन एंड कैन नॉट यूज कोर विद हर नेम। इट इज अ वेरी पायस सफिक्स गिवन टू सिख वुमेन बाय सिख गुरुज। द पर्सन हु इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ सिख रिलीजन कैन नॉट यूज कोर। She should tender a public apology as the title has insulted Sikhs. अब इस इशू पर ना ही सनी की तरफ से ना ही शो के मेकर्स की तरफ से कोई रिएक्शन आया है। Well, so the big controversy here is जो नाम है उनका करणजीत कौर वोहरा, उसमें से कौर नाम हटाने को कहा जा रहा है। Now, of course, we all know that her stage name is Sunny Leone and her original name was करणजीत कौर वोहरा और उसी नाम पर बायोपिक वेब सीरीज वो रिलीज कर रहे हैं, तो अब क्या ये सही है कि उनसे कहा जा रहा है कि उनके नाम से ये कौर वर्ड हटाया जाए? So basically what Sikh community wants, जिन्होंने कंप्लेन किया है, उनका ऐसा कहना है कि जो कौर सरनेम है वो गुरु साहेब जो सिख में लड़कियां होती हैं सिख कम्युनिटी में उन्हें देते हैं, एंड बिकॉज सनी लियोनी हैज चेंज्ड हर रिलीजन, तो उनका ऐसा कहना है कि बिकॉज आपने रिलीजन चेंज कर लिया है तो इसीलिए आप कौर नाम हटा दीजिए। अगर आपका रिलीजन आप अभी भी सिख कम्युनिटी को बिलोंग करती तो आप कौर रखती, हमें कोई तकलीफ नहीं है। दिस इज व्हाट दे वांट। हमारे पास आई वांट टू आस्क द पीपल हु आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग, वेयर हैज इट रिटन और वेयर इज द प्रूफ दैट शी चेंज्ड हर रिलीजन? शी इज अ बॉर्न कैनेडियन एंड इंडियन, उनके पेरेंट्स सिख थे, उन्होंने अपना स्टेज नाम रखा है सनी लियोनी, दैट डजंट मीन दैट यू हैव चेंज्ड योर रिलीजन। शी यूज्ड टू गो यू नो शी यूज्ड टू मे बी शी बिलीव्स इन द रिलीजन इवन नाउ, हाउ डू यू नो राइट? सो इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको क्या नाम, आपका वो नाम है और आपको वो नाम नहीं रखने की जो यू नो मांग की जा रही है, मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं गलत गलत है। एंड अब यू नो इट्स अ रिलीजियस मैटर, अब क्या पता उन लोगों ने, हाँ थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्या पता उन लोगों ने कहीं रिसर्च की होगी, बिकॉज हमने तो जितनी भी जगह ढूंढने की कोशिश की अब तक हमें ये कहीं पता चला नहीं कि सनी लियोनी ने एक्चुअली में अपना रिलीजन चेंज किया कि नहीं किया, या फिर सिर्फ उनका स्टेज नेम ही सनी लियोनी है। और आप इस पर भी गौर कीजिए ना कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी निशा कौर वेबर रखा है, सो दैट क्लियरली स्टेट्स दैट शी इज नॉट चेंज्ड हर रिलीजन, इट्स जस्ट स्टेज नेम दैट शी इज चेंज्ड। एंड अब जब आप बायोपिक लेकर आ रहे हो तो ऑफकोर्स आप रियल लाइफ स्टोरी की अगर आप स्टोरी बता रहे हो, पहले मेरा वो नाम था तो शायद वो उसको वही टाइटल रखना चाहती है। बाय द वे इस बायोपिक की बात करें, सो दिस इज अ फैक्ट, दिस इज द फर्स्ट बायोपिक जिसमें जिसके ऊपर बन रही है वो खुद किरदार प्ले कर रही है। एग्जैक्टली, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, तो वेल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड कंट्रोवर्सी पर अब तक तो डायरेक्टर्स और सनी लियोनी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बट लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। कहा जा रहा है कि रिपब्लिक डे वीकेंड ऑफ 2019 में दिख सकता है बड़ा क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस। इट्स गोइंग टू बी ऋतिक रोशन वर्सेस कंगना रनौत। क्या रिपब्लिक डे पर होगी कंगना और ऋतिक की बॉक्स ऑफिस टक्कर?
खबर आ रही है कि कंगना की फिल्म मनी करने का VFX वर्क की वजह से काफी ज्यादा डिले होती जा रही है और साल के एंड तक ही इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो सकेगी। ऐसे में नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे पर इस फिल्म के मेकर्स की नजर है और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसी दिन ऋतिक की सुपर 30 भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर इन दो बड़े एक्टर्स की टक्कर होने की पूरी संभावना है। Well, Hrithik Roshan and Kangana Ranaut, they share a past. A strong past, controversial past, and जहां पर Kangana Ranaut ने बहुत सारे शोज में जाके Hrithik Roshan और उनके फादर के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वही Hrithik Roshan ने भी बड़े लंबे इंतजार के बाद एक शो में आया और उन्होंने एक्चुअली में अपना पार्ट भी बताया। एंड नाउ जब इन दोनों का कहा जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पे एक टक्कर हो सकती है 26 जनवरी 2019 एक तरफ सुपर 30 तो दूसरी तरफ मणिकर्णिका, इट विल बी अ बिग थिंग। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन पता है जैसे ही हमें ये खबर मिली वी ट्राई टू गेट इन टच विद बोथ द पार्टीज, ऋतिक रोशन एंड कंगना रनौत की टीम से हमने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। सो वी आर स्टिल अनश्योर कि क्या ये होगा, बट एक बात तो है कि इस न्यूज ने बस क्रिएट कर दिया है। वी ऑल नो दैट सुपर 30 ने ऑलरेडी अपनी डेट्स रिलीज कर दी थी लेकिन मणिकर्णिका इज एक्चुअली स्टक विद द VFX, यू नो अ पोस्ट प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है, तो उनका ना रिप्लाई करना यहाँ पर बस क्रिएट करता है, स्पेकुलेशंस हो रही है। यस, एंड यू नो व्हाट सागा, पहले मणिकर्णिका इस साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, फिर काम पूरा नहीं हुआ तो शायद उन्होंने कहा कि सितंबर में रिलीज कर लेंगे लेकिन अभी भी वो डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे हैं। और ईयर एंड में बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर है लाइक केदारनाथ, देन रणवीर सिंह, देन किंग खान, शाहरुख खान, सो अब वो सोच रहे हैं कि 2019 की पहली फेस्टिव डेट कौन सी है, दैट्स 26 जनवरी। एंड इसके पीछे भी मुझे लगता है एक रीजन है स्पेशली 26 जनवरी को रिलीज करना, बिकॉज एवरीवन नोज कंगना रनौत एंड ऋतिक रोशन, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल लाइफ रह चुकी है पास्ट में, तो अगर उस डेट को रिलीज करेंगे अपने आप पिक्चर को एक बहुत बड़ा यू नो कंट्रोवर्सी मिल जाएगी, नाम मिल जाएगा, अच्छा मणिकर्णिका कंगना की मूवी 26 जनवरी ऋतिक के ऑपोजिट, तो ये भी एक पीआर स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि ऋतिक रोशन की लास्ट फिल्म जो थी काबिल वाज अ प्रीटी बिग सक्सेस, क्रॉस्ड 100 crores, बट कंगना रनौत ओवर हियर नीड्स अ बिग ब्रेक राइट नाउ क्योंकि उनकी लास्ट कुछ फिल्मों की अगर बात करें तो वो काफी चल नहीं पाई थी बॉक्स ऑफिस पर, एंड ऑफ कोर्स द कंट्रोवर्सी यू नो टुक डाउन अ लॉट फ्रॉम हर, इट हैज टेकन lot from her, so this has to be a big comeback for her. So will it be a good decision to release it against Ritik Roshan knowing that ye na it can be for or against, ye achhi baat bhi ho sakti hai aur buri bhi. I am actually looking forward ki jab in dono movies ka agar actually mein clash hota hai to promotions ke dauran किस तरह के स्टेटमेंट दिए जाएंगे, बिकॉज यूजुअली जब दो बड़े स्टार्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो प्रमोशंस के दौरान वो एक दूसरे की तारीफ भी कर देते हैं, दैट यू नो हाँ इट्स अ गुड मूवी, आप दोनों देखिए, फिल्म इंडस्ट्री है, पिक्चर रिलीज होती है, बट क्या कंगना रनौत और ऋतिक रोशन क्या एक दूसरे की यू नो मूवीज की तारीफ करेंगे, एक दूसरे के बारे में क्या फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे जैसे पहले हमने पास्ट में सुने हैं? वेल, एक बात है कुणाल, ये क्लैश हो ना हो, ये साथ में मूवी रिलीज करे ना करे, लेकिन एक बज जरूर क्रिएट हुआ है इन सारे रूमर्स से। Well, now let's talk about the birthday girl, Katrina Kaif. We wish her a very happy birthday. But Saga, उनकी BFF ने उन्हें बहुत खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। कौन है उनकी BFF? Let's have a look. आलिया भट्ट ने कटरीना कैफ को किया बर्थडे विश। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर करते हुए साफ सिग्नल दिया है कि वो कैट के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप शेयर करती हैं। साथ ही कटरीना कैफ आजकल अपने सिंगल स्टेटस को एंजॉय कर रही हैं और उनका कहना है ये स्पेस उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। A sweet message from Alia Bhatt. Unki wo jackets pe BFF likha hua hai aur us picture ko use kar kar happy birthday Katrina Kaif likha hai after knowing kitne complications hai unki current relationships mein. Yes, ek taraf Alia, dusri taraf Katrina, beech mein Ranbir, and everyone was saying ki ab is dosti mein darar aa jayegi because Alia is dating ex of Katrina and wo dono BFFs hain, to kya ye dono friends rahenge? But kaafi instances aur incidents hue hain jisme hame dikhai di hai in dono ki maturity, jahan Katrina Kaif ne Alia Bhatt ke razi
के सक्सेस पर उन्हें विश किया, तो वही आलिया भट्ट उन्हें बर्थडे विशेस कर रही है, यू नो शी सेंडिंग इन अ लॉट ऑफ लव। इनफैक्ट यू नो व्हाट, कटरीना कैफ से हाल फिलहाल में पूछा गया अबाउट हर यू नो करंट लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर लाइफ, सो उन्होंने बताया दैट इट्स बीन 2 इयर्स वो सिंगल है एंड वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर रही है। एंड जब उनसे लव लाइफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा, और इट्स अ वेरी मैच्योर वे ऑफ सेइंग थिंग्स के यू नो अब पुराने ग्रजेस रखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दूसरा बंदा भी मूव ऑन कर चुका है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मूव ऑन, अगर मैं इमोशंस होल्ड करके रखूं भी तो क्या फायदा। सो पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, कटरीना कैफ ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था जब वो रिलेशनशिप में थी दैट शी इज कमिटेड एंड शी इज इन लव एंड शी इज इन अ रिलेशनशिप, बट अब 2 साल बाद उन्होंने कहा दैट आई एम सिंगल, विच ऑब्वियसली मीन्स दैट शी वॉज इन लव, शी वॉज कमिटेड। तो ये बड़ा सही है, जब आप रिलेशनशिप में होते हो तब आप तो एक बार, कितनी बार पूछा है मीडिया ने उनसे कि यू नो आर यू गाइज इन लव, और बाद में क्या हो जाता है, इतनी बार स्पॉट करने के बाद आप अज्यूम करते हो कि दे आर। सो एट दैट टाइम कटरीना कैफ वॉज प्लेइंग सेफ, I mean it's a safe but yeah, ab you know trend change ho gaya hai, now celebs are coming out publicly that yes we are dating, do you have some problem, exactly. So yeah, this is a very good trend and I just hope ki Bollywood mein ye trend hamesha barkarar rahe. Kya Salman Khan ne Bharat ki shoot Priyanka Chopra ke liye ki postpone, aaiye jante hain. सुपरस्टार सलमान खान रेस 3 की रिलीज के तुरंत बाद बिजी हो गए अपने दबंग द टूर रीलोडेड कॉन्सर्ट्स में, और रिपोर्टेडली सलमान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके टूर की वजह से अफेक्ट हो उनकी अपकमिंग फिल्म भारत का स्केड्यूल। बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स, सलमान खान ने पोस्टपोन कर दी है भारत की शूटिंग, और सुनने में आया है कि इसकी वजह है प्रियंका चोपड़ा। दरअसल प्रियंका चोपड़ा जुलाई 18 को सेलिब्रेट करेंगी अपना 36th बर्थडे, और जब सलमान को ये पता चला कि प्रियंका अपने रूमर बॉयफ्रेंड निक जोनस के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हैं अपना स्पेशल डे, तो सलमान ने डिसाइड किया कि भारत की शूटिंग शुरू करने से पहले वो अपनी दूसरी वर्क कमिटमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि ना भारत का स्केड्यूल अफेक्ट हो और ना ही उनकी बाकी कमिटमेंट्स डिले हो। Well, this is something new to me. Usually, stars सलमान खान की डेट्स के हिसाब से अपनी डेट्स एडजस्ट करते हैं। सलमान खान की वजह से भले एक बार पिक्चर पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, किसी और की वजह से नहीं हो सकती, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा के लिए डेट्स आगे बढ़ा दिए, बिकॉज प्रियंका चोपड़ा जिनका बर्थडे आने वाला है 18th of July को, वो निक जोनस के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हैं। आए है, बट देखो ये कहां जा रहा है हमें ये डेफिनेटली नहीं पता, बट सुनने में तो भाई यही आ रहा है, एंड क्यों ना हो, यहाँ पर प्रियंका एंड निक आर न्यूली इन दिस रिलेशनशिप, और ये कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड चल रहा है, वो उनका पहला बर्थडे है, यू नो, सो बॉयफ्रेंड पहला बर्थडे तो हमेशा बहुत स्पेशल तरीके से यू नो पूरा अच्छे से सेटिंग करता है, आई मीन गाय आई नो, बट यू नो कुणाल, हमने हमेशा सुना है दैट प्रियंका चोपड़ा इज वेरी वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू यू नो शूट्स एंड डेट्स, और उन्होंने कभी ये पहले इन द पास्ट वी हैव नेवर हर्ड ऑफ समथिंग लाइक दिस, सो आई एम क्वाइट सरप्राइज अगर प्रियंका चोपड़ा ने इस रीजन के लिए अपनी शूट डेट्स को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की, बट वेरी काइंड ऑफ सलमान खान टू एक्चुअली मिस्टर सलमान खान की डेट्स बहुत मुश्किल से मिलती है उनकी, अगर यहाँ पे डेट्स आगे पोस्टपोन होंगी तो कहीं दूसरे शूट को सफर करना पड़ सकता और है, और वो दबंग टूर के बाद जब लौटे हैं तो उन्हें तुरंत यू नो भारत की शूट करनी थी, बट उन्होंने दूसरे शूट्स को प्रीपोन कर लिया है ताकि भारत के डेट्स को वो एडजस्ट कर सके फॉर प्रियंका चोपड़ा। तो अगर सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा के लिए भारत फिल्म की डेट्स रीशेड्यूल की है तो दैट्स क्वाइट स्वीट ऑफ हिम। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान निक जोनस के बारे में कहा that we are getting to know each other. Is this an official confirmation? Let's decode it. Priyanka Chopra ne Nick Jonas ke saath apne relationship par todi chuppi. Priyanka ne Nick ke saath relationship aur unke India visit par kaha hai, we are getting to know each other and I think it was a great experience for him. Well, aisa pehli baar hai ki Priyanka Chopra ne Nick ko lekar kuch kaha hai. और इस स्टेटमेंट को ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के तौर पर लिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये डीकोड हो चुका है, वी आर गेटिंग टू नो इच अदर सिर्फ तब बोला जाता है जब आप किसी के बारे में सीरियस होते हो, तो यहाँ पर इन्होंने जो है कंफर्म कर दिया है कि निक जोनस एंड प्रियंका चोपड़ा आर डेटिंग, एंड जब उनसे पूछा गया कि ट्रिप टू इंडिया कैसा था तो उन्होंने कहा कि आई एम श्योर ही एंजॉयड इट एंड ऑल द स्टफ, बट यू नो
सो ये देखो यहाँ पे एक सीरीज बनती जा रही है. पहले निक यहाँ पर आए प्रियंका के साथ, वेडिंग्स अटेंड करी, गोवा में यू नो वेकेशन पे गए. उसके बाद अब प्रियंका के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भारत फिल्म से छुट्टी भी ले रही हैं. सलमान खान मूवी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं जैसा कि हमने बताया. और अब प्रियंका का एक स्टेटमेंट आता है दैट वी आर गेटिंग नो ईच अदर. एग्जैक्टली. ओके, बस एक वो छत पे जाके चिल्लाने बाकी रह गया लाइक प्रियंका सेड. आई टेल यू व्हाट, आई थिंक प्रियंका ने अपने मन में ये ठान लिया था कि जब मुझे पूछा जाएगा तो मैं उसका सीधा सीधा जवाब दे दूंगी. और उन्हें खुद आकर दुनिया में ऐलान करने की जरूरत नहीं है दैट शी इज ट्राइंग टू नो निक जोनस एज अ पर्सन एंड यू नो मे बी समथिंग इज ब्रूइंग ओवर देयर. उन्होंने ये सोच लिया होगा कि जब आई गो टू एन इवेंट इफ आई हैव बीन आस्क्ड आई विल टेल इट ऑनेस्टली. और हमेशा से उनकी यही इमेज रही है दैट शी इज वेरी old, she's very straightforward and वो कभी घुमा फिरा के बातें नहीं करेगी. So this is what is very commendable and अब confirmation हो गया है. And we wish Priyanka Chopra and Nick Jonas best of luck for their future relationship. Well, it's time for a short break, but we'll be back in less than a minute. Stay tuned. और अब प्लैनेट बॉलीवुड पर बात करते हैं फैशन की. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कंगना रनौत हु वाज लुकिंग रेडिएंट एज वी स्पॉटेड हर डॉनिंग अ चेक्स ऑन चेक लुक. सिंपल येट एलिगेंट, हर व्हाइट लॉन्ग कुर्ता हैड ब्रॉडर चेक्स एंड अ क्यूट लिटिल पॉकेट एंड शी पेयर्ड इट विद स्ट्रैपी सैंडल्स. हर नेचुरल कर्ल्स डिड द चार्म. वहीं हमने डेजी शाह को स्पॉट किया है. शी वाज स्पॉटेड वेयरिंग अ डेनिम ऑन डेनिम. शी वाज वेयरिंग अ ब्राइट येलो टॉप layered it with a denim jacket and was wearing a blue flared jeans and nude sneakers. We also spotted Anil Kapoor and believe me on this, he was looking jhakas in that all black avatar. He was wearing a long black shirt with black wash denim and black sneakers. And we spotted Kareena Kapoor in a perfect airport look. She was wearing a grey sweatshirt with black joggers and white trainers. Well, you have to talk about Taimur Ali Khan. He is one stylish kid. And there, Sonam Kapoor can never go wrong with her traditional look. She flaunted a midnight blue ensemble with parts of floral print on it. I really like her ankle-length palazzo pant. She also accessorized it with oxidized long earrings and a ring. Pink jutti added the flavor. Wahin Diya Mirza looked very comfortable in a blue printed maxi dress with strappy studded flats, hair tied up with long earrings. She was ready to go. Well, the hunk of Bollywood film industry, John Ibrahim, just rocked the double denim look. He was wearing a white t-shirt with a denim shirt and dark blue jeans with white sneakers. We also spotted Aisha Sharma with John Ibrahim. She was looking pretty fashionable in white cold shoulder crop top with blue flared denims and pastel blue strappy heels. To sum it up, Zoom and Myntra gives a big thumbs up to all the celebrities. Well, this brings us to the end of episode on Planet Bollywood. Lekin jaane se pehle aapko bata de about our outfits of the day. Well, I'm wearing a printed mini fit and flare dress with solid tan pump. And I'm wearing a striped t-shirt with khaki jacket, blue denims and tan loafers. And if you guys like our look, then go to Myntra.com. I'm Kunal Saluja signing off. And this is me, Sagarika Chetri. See you tomorrow, same time, same place at 7 p.m. only on Planet Bollywood.